प्रणाम। पैसे देकर फर्जी डिग्री बांटने वाले आरोपी को सिविल लाइन थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई बेरोजगारों को अपने झांसे में लिया था आरोपी ने। शैक्षणिक संस्थान खोलकर फर्जी डिग्री बांटने वाले एक आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शैलेंद्र ग्वालरे है, जो दुर्ग का रहने वाला है। पुलिस ने इसे दुर्ग से ही गिरफ्तार किया है। 2013 में आरोपी ने पंडरी में इंडियन अल्टरनेटिव मेडिकल नाम से एक संस्थान खोला था। अपने इसी कार्यालय से आरोपी ने कई युवकों को BMS, बी फार्मा, MBBS सहित कई डिग्रियां पैसे लेकर बांटे थे। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ठगी का केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार अभी सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई है। इसने और कितने लोगों को फर्जी डिग्री बांटी है, संबंध में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी अपने कार्यालय से 40 से 45,000 रुपए लेकर डिग्री बांटने का सौदा तय करता था। हालांकि 5 साल पहले उसने अपना यह कार्यालय बंद कर लिया था। पुलिस अभी उससे पूछताछ में जुटी है और पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर।